अपोजिशन वाले अगर स्ट्रांग रहेंगे, अगर वो उनकी गलतियां बता सकते हैं तो और इम्प्रूवमेंट हो सकती है अच्छे स्पीड्स में। यस हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं भादौड़ टेमघर के रास्ते पर और यहां पर आज हम जानने के लिए आए हैं कि इलेक्शन 2024 को लेकर, अभी एमपी का इलेक्शन होने वाला है तो एमपी को लेकर, उनके विकास को लेकर कि पिछले 10 सालों में यहां पर कितना विकास हुआ और किन किन चीज़ों पर भिवंडी शहर में या ये जो गांव के इलाके हैं वहां पर विकास होना चाहिए, तो ऐसे मुद्दों पर कुछ पब्लिक से हमारी बातचीत हुई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या सोचते हैं विकास कैसा होना चाहिए। किशन यादव, कहाँ रहते हैं आप भिवंडी में? भिवंडी में भादौड़ गांव। भादौड़ गांव में रहते हैं, वोटिंग करते हैं सर आप? जी। पिछले 10 सालों में अगर मैं आपसे पूछूं, पिछले 10 सालों में एमपी के जरिए भिवंडी में, भादौड़ में, टेमघर में ऐसा कोई काम आपने देखा जो उन्होंने किया हो और आप लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हो? है कुछ, है रोड रोड का बना है थोड़ा नया, थोड़ा पानी नया, मतलब पानी रनिंग हुआ है। हाँ, पानी मिला है, रोड बना है, तो वो तो एमएलए और नगर सेवक भी कर लेते हैं। हाँ, एमपी के जरिए कोई काम आपने देखा? नहीं देखा आपने। अच्छा, अगर आप वोट करते हैं तो जब जिसको भी वोट करेंगे तो क्या सोच के वोट करते हैं कि अगर वो जीत के आए तो आपके शहर के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, देश के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बेरोजगारी बढ़ाना चाहिए या खत्म करनी चाहिए? बेरोजगारी है नहीं ना, तो बिल्कुल भी, मतलब काम धंधा बिल्कुल भी ये होना चाहिए, वो काम धंधा लाना चाहिए। सुनील यादव। सुनील भाई, आप कहाँ रहते हैं भिवंडी में? कहाँ रहते? भादौड़ में, गाँव में। भादौड़ गाँव में। पिछले 10 सालों में आपने अपने गांव में क्या बदलते हुए देखा कि ये चीज़ अच्छी हो रही है एमपी के जरिए? गांव में हमने एमपी के जरिए तो कुछ भी नहीं देखा हुआ है, जो देखा हुआ है हमारे दादा ने किया हुआ है, बॉस साहब ने किया हुआ है। एमपी के जरिए, एमपी के जरिए कुछ आपके गांव में कुछ कोई बदलाव नहीं है, कुछ भी नहीं। आने वाले इलेक्शन में जब आप किसी को वोट करेंगे तो क्या बदलाव देखना चाहेंगे आप अपने गाँव में? हम देखना चाहेंगे पहले हमारे में जो दवाखाने हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे रोड्स हैं, जो भी साफ सफाई है, बच्चों के जो आज एजुकेशन के लिए भिवंडी में कुछ भी नहीं है, बाहर जाना पड़ता बच्चे, हर बच्चे बाहर जा रहे हैं। भिवंडी के अंदर वो हो, सब कुछ हो, भिवंडी टेक्सटाइल हब था, आज खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा हब के लिए। आज वेयर हाउस हब है भिवंडी, तो वेयर हाउस हब है तो उसके लिए बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, पर यहाँ पे वो सुविधा नहीं, मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए इंसान को वो नहीं है। एमपीजी का काम जो होता है वो छोटा काम नहीं, उनको सब बड़े बड़े लाने चाहिए, संस्था लाने चाहिए बड़ी बड़ी, बड़ा बड़ा काम होना चाहिए उनके थ्रू, लोगों को आसानी मिले। लोगों को मेन क्या है, पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए लोगों को मेन, तो बच्चे आज जो आज भिवंडी सबसे बड़ी समस्या है दवाखाना और पढ़ाई। आज भिवंडी के अंदर आपके आसपास इलाके में कोई अच्छा दवाखाना है जहां आप इमरजेंसी में कोई इलाज करा सके? इमरजेंसी में उनको थाना जाना पड़ता है, भिवंडी में तो कुछ यहां पर कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ नहीं हो सकता भिवंडी में, क्या है आज अगर डिलीवरी का भी थोड़ा भी अगर क्रिटिकल चांस होता है तो सीधा थाना, भिवंडी में कुछ है नहीं। आप भी भिवंडी के आप बेहतर समझते हो इस चीज़ को, तो क्या लगता है कि अगर यहाँ एक हॉस्पिटल अगर बनाना हो तो कितना वक्त लगता है एक हॉस्पिटल बनाने में? बहुत आज एमपी साहब का सेकंड टर्म खत्म हो गया, हो जाना चाहिए था, बहुत बेहतर हो जाना चाहिए था। तो 2-3 साल काफी होते हैं? बहुत हो गए। अगर आप और कुछ विकास का काम देखना चाहेंगे भिवंडी में जो मुंबई में है, थाना में है, मगर यहाँ नहीं है, तो वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए और उसके बाद हॉस्पिटल्स, तो ये हो जाए, बाकी तो भिवंडी के लोग खुद सक्षम है, खुद कर लेंगे। रामेश्वर प्रसाद। आप कहाँ रहते हैं रामेश्वर भाई? भादौड़ रहता हूँ। भादौड़ में रहते हैं, बदलाव तो देखा बहुत, पहले से पहले के विषय तो बहुत अच्छा है अभी। क्या चीज़, क्या बदलाव देखा आपने, कुछ बताइए, 2 काम 4 काम 6 काम जो आप इस्तेमाल कर रहे हो? पहले के रोड के जैसा रोड था वैसा रोड नहीं लगे, रोड अच्छा बन गया है। रोड के मामले में तो पब्लिक अब भी बोलती है कि रोड अच्छा नहीं है। नहीं, रोड के साथ तो बढ़िया ही है, डेवलपमेंट हो रहा है, भिवंडी तो डेवलपमेंट हो गया पहले से, बहुत बहुत अच्छा। उसके अलावा और क्या, रोड के अलावा और क्या जो अच्छी अच्छी चीज़ हुई? यहाँ के जो बाहर के लोग यहाँ काम करने लोग आते हैं थोड़ा, उन लोग डरे भाव से रहते हैं। बाहर के लोगों को यहाँ पर काम मिल रहा है लेकिन यहीं के लोगों को यहाँ काम नहीं मिल रहा, काम ऐसा बोलते हैं। काम करने वाले को हर जगह काम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। काम नहीं लगता कि काम करने वाले को भिवंडी में ही काम मिलना चाहिए ताकि उनको बहुत लंबा न जाना पड़े? काम करने वाला जो आदमी करेगा तो हमें, अगर मेहनत करने वाला रहेगा तो हर जगह काम मिलता है, नहीं करने वाला तो कोई नहीं कर सकता। चलिए, अगर विकास की बात करें तो भिवंडी शहर में ऐसा क्या नहीं है जो दूसरे शहरों में है? भिवंडी में दूसरी बात क्या है, अभी आदमी के पास पहले भी तो हॉस्पिटल होना जरूरी था, हॉस्पिटल यहाँ होना जरूरी है, हॉस्पिटल होना जरूरी है। इसके अलावा और क्या दूसरी बात आदमी को, दूसरी बात क्या बताऊँ, यहाँ का मैं तो हूँ नहीं, मैं बाहर का हूँ। भादौड़ में रहते, मतलब भादौड़ में पहले का बेहतर बहुत सुधार हुआ है, पहले के बेहतर बहुत सुधार है। चलिए ठीक है, थैंक यू। संजय तेरे, कहाँ रहते हैं सर आप भिवंडी में? टेमघर भादौड़। पिछले 10 सालों में आपने टेमघर भादौड़ में क्या बदलाव देखा एमपी के जरिए?
ज़्यादा तो बदलाव नहीं देखा, फिर बाकी इधर सैनिक में ज़्यादा इधर बदलाव नहीं हुआ। अगर आप आने वाले इलेक्शन जो भी एमपी का इलेक्शन है 2024 में, तो जो भी चुनकर आता है तो आप उनके जरिए क्या बदलाव देखना चाहते हैं यहाँ पर कि ये चीज़ नहीं है, अच्छा खराब है और अच्छी होनी चाहिए? रास्ता है तो धीरे धीरे बन ही रहा है, किधर बन रहा है, ये तो 15-20 साल जैसा ही है। अभी एक आदमी ने बताया कि रास्ता बहुत अच्छा हो गया यहाँ पर। क्या हो गया, वो बाहर का होगा, हम लोग इधर गाँव वाला है। अच्छा, आप लोग ना, हम लोग यही रहने वाला है दोस्तों। रास्ता अच्छा नहीं है? नहीं, रास्ता ये देखो कितना खराब है। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा इधर ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं, किधर गटर नहीं है। ड्रेनेज, गटर, रोड, ये तो नगर पालिका MLA और कॉरपोरेटर मिलकर कर लेंगे। ये MP का इलेक्शन है, MP के अंडर में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आती है, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद करते हो कि मेट्रो रख रहा है इधर, मेट्रो का काम तो चालू है। किधर चालू है? कल्याण रोड में 10 साल कुछ हुआ नहीं, इतने सालों से पड़ा है, उसके लिए बोल रहा है ऐसा ऐसा। हाँ, इसके अलावा और? इसके अलावा इधर के जहन में अगर मैं विकास की बात करूं कि भिवंडी शहर में विकास होना चाहिए, तो विकास क्या क्या होना चाहिए? क्या क्यों? मेट्रो आना चाहिए, इसके अलावा और रास्ता अच्छा होना चाहिए, और लोगों को पानी का दिक्कत जिधर होएगा पानी का दिक्कत कम होना चाहिए, और डेवलपमेंट थोड़ा बहुत चल रहा है। महंगाई को लेकर क्या क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो हर साल वैसे बढ़ते ही रहता है, क्यों सभी शासन कम नहीं होना चाहिए? आपको नहीं लगता महंगाई बहुत ज़्यादा है? कम होता है क्या कभी? आज तो 20 साल में 25 साल में 50 साल में महंगाई तो कम होते हुए नहीं देखा, बढ़ते हुए ही देखा, सब बढ़ते हुए रहता है वो। तो कम होना चाहिए कि नहीं होना? महंगाई नहीं, आप तू बोल के मैं बोल के कम नहीं होने वाला वो। क्या बात बोल रहे, कम होएगा ही नहीं हो, ऐसा क्यों? क्यों लगता है आपको कम नहीं हो? कम हुआ क्या? नहीं, आज तक तो कम नहीं हुआ, बढ़ते कम होएगा। किसी का भी सरकार हो, कैसे कम होएगा वो, कैसे कम होएगा? इतना गैस के दाम है, सिलेंडर के दाम है, पेट्रोल के दाम है, खाने पीने के जो चीज़ें हैं उस पर कमीशन बढ़ गया है, उसकी वजह से महंगाई तो कम नहीं होएगा, खाने वाले लोग बढ़ गए ना। महंगाई अगर बढ़ गया है तो लोगों का जो इनकम है वो उतना नहीं बढ़ा, लोग बोल रहे हैं कि हमारी सेविंग नहीं होती। फिर भी बढ़ा ना, अभी 10 साल के पहले इनकम कितना था, आज इनकम कितना है? 10 साल के पहले इनकम लोगों को 8-10 हज़ार था, अभी 15-16 हज़ार कमा रहे, कम से कम बचा नहीं पा रहे, लोग वही कह रहे कि बचा नहीं पा रहे। वैसा तो रहेगा ना, आदमी लोगों को अभी फैशन भी बढ़ गया, पहले लोग घर पे खाना खाते थे, अभी लोग बाहर खाना खाते हैं जाते हैं, ऐसा भी है ना। इन सब चीज़ों की वजह से महंगाई बराबर, मतलब जो है वो बराबर, वो सबसे बराबर। भिवंडी की राजनीति को मैं बोलूँ कितना नंबर देंगे 10 में से, तो 10 में से कितना नंबर देंगे आप? मतलब किसमें? भिवंडी की राजनीति। 10 में से 5 नंबर आना चाहिए। 5 नंबर देंगे आपकी, 5% मतलब 50% विकास हुआ है, 50% बाकी है। और क्या होना चाहिए जो मुंबई में है, थाना में है, लेकिन भिवंडी में नहीं? इधर का तालाब का सिस्टम बराबर नहीं, मतलब वरल तालाब हुआ, हमारे भादौर का तालाब हुआ है, उसमें देखो जाकर कितना गंदगी है। अभी ये बाजू में हमने देखा तो वो सूखा पड़ा हुआ। हाँ, कितना गंदगी काम चल रहा है, वो भी लेके जा रहे पूरा उखाड़ के। हाँ, तालाब को खत्म कर रहे हैं? खत्म नहीं कर रहे, मतलब पहले जो डेवलप चालू था वो भी निकल के लेके जा रहे हैं, अभी जो वहाँ पर लग रहा था वो भी निकल रहा है, निकल के जा रहे हैं। हाँ, मेरा नाम सुजीत भोईर है। सुजीत भाई, आप कहाँ रहते हैं भिवंडी में? कहाँ रहे? यही मेरा पास में ही घर है, भादौड़ में। भादौड़ में ही घर है। पिछले 10 सालों में आपने भादौड़ में MP के जरिए क्या बदलाव देखा है कि MP ने यहाँ पर ये विकास का काम किया हो और पब्लिक उससे फ़ायदा उठा रही है? एक्चुअली मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट अपने भिवंडी के, उन्होंने इन भिवंडी में बहुत डेवलपमेंट किया है, बट कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे डेवलपमेंट करने की और भी ज़रूरत है, जैसे कि कॉलेजेस हैं, जैसे कि अपना IGM हॉस्पिटल है, वहाँ पे अभी तक कुछ सुधारना नहीं हुई है, और ऐसे और कुछ चीज़ें हैं कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और बहुत सारे चीज़ें भी है वहाँ पे जो जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे कि रास्ते हैं। उसके बाद रास्ते के बारे में तो लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि भिवंडी से ज़्यादा ख़राब रास्ता कहीं नहीं, चाहे वो भिवंडी ले लो, भादौड़ ले लो, टेमघर ले लो, या ग्रामीण ले लो। ग्रामीण के लोग कह रहे हैं कि उनका तो रोड कुछ हद तक अच्छा हो गया, लेकिन सिटी लेवल का जो रोड है वो आज ही बहुत ख़राब है। काम चल रहा है उसके ऊपर, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि कुछ हुआ नहीं, काम चल रहा है, बट और कोशिश होनी, स्पीड की ज़रूरत है, यानी स्पीड की ज़रूरत है, राइट। ओके, भिवंडी शहर में अगर विकास होना चाहिए तो किन चीज़ों पर होना चाहिए, रोड के अलावा, रोड और हॉस्पिटल के अलावा? जैसे कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, और उसके बाद जो अपने कॉलेजेस, अभी देखो भिवंडी में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, सिर्फ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉलेजेस है। अपकमिंग अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, और उसके बाद ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो बच्चों के फ्यूचर के ऊपर होनी चाहिए, और एक्चुअली अपना भिवंडी जो है शहर, वो मेरे हिसाब से वो ब्लैकलिस्टेड ही है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पाव डालने से पहले सोचता है, क्योंकि सोचता है, क्योंकि इस भिवंडी का थोड़ा सा है ना, जो अपन पास बोलते हैं वो थोड़ा ख़राब है, अच्छा नहीं है ये,
अब अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो चीज़ें भिवंडी के ऊपर लगी हुई कि भाई भिवंडी इसकी वजह से ब्लैक लिस्टेड है तो ये हटना चाहिए, तो अच्छा करने के लिए एमपी साहब को क्या करना चाहिए यहाँ पर? अभी जो अपने हैं एमपी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना कपिल साहब है, वो तो काम कर रहे हैं, बट अभी जो गति है जो स्पीड है उनको और बढ़ाना चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सब वो ठीक करें मेरे हिसाब से तो। क्योंकि अगर अपोजिशन वाले अगर ठीक से पॉइंट्स रख देते हैं तो उसके ऊपर भी अपने को कुछ तो हाँ बाबा काम होता है कि, पर अपोजिशन ने कहीं अपोजिशन भी जिम्मेदार है इन सब चीज़ों की, वो बराबर से पॉइंट नहीं बता पाते कि ये चीज़ नहीं हो रही वो चीज़ नहीं हो रही। अपोजिशन वाले अगर स्ट्रांग रहेंगे अगर वो उनकी गलतियाँ बता सकते हैं तो और इम्प्रूवमेंट हो सकती है अच्छे स्पीड्स में। यस, जिस प्रकार से आपको मैंने बोला कि यहाँ पे अभी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो भिवंडी को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, अगर टैक्स मिलेगा तो उतनी सुविधाएं भी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यही है, ज़्यादा रेसिडेंशियल एरिया बन रहे, ज़्यादा लोग यहाँ पे अगर रहने के लिए आएंगे तो ज़्यादा टैक्सेस अपने कॉरपोरेशन को भी मिलेगा, तो हिसाब से थोड़े डेवलपमेंट पे ऊपर भी थोड़ा खर्चा होगा। स्पोर्ट्स को लेकर आपको क्या कहना है, क्या भिवंडी में ऐसा कोई स्पोर्ट्स सेंटर आपने देखा कि है जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई ट्रेनिंग सेंटर कोचिंग सेंटर? अभी देखिए भिवंडी में तो कोई ऐसे संस्थाएं नहीं है, अगर किसी को इंडिविजुअली अगर कुछ करना है तो उनको भिवंडी छोड़ना पड़ता है, उनको कल्याण जाना पड़ता है, ठाणा जाना पड़ता है या फिर मुंबई जाना पड़ता है, उनको अगर करना है तो खुद से करना पड़ेगा क्योंकि उतना सुविधा है उतनी सुविधा अपने भिवंडी में नहीं है फिलहाल तो। अगर उसके ऊपर भी अगर जोर दे एमपी साहब मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है अपने, उसके ऊपर भी अगर जोर दे तो भिवंडी से बहुत सारे इम्पोर्टेंस और वैल्यूबल्स ऐसे प्लेयर्स निकलेंगे, एसेट्स निकल सकते हैं एसेट्स और उसके वजह से अपना भिवंडी का भी नाम थोड़ा हो सकता है। यस।